नमस्कार। इंडियन नेवी के एक ऐसे एडमिरल जिन्होंने सालों साल अंग्रेज़ों से ही लगान वसूल किया, एक ऐसे सिपाही जिन्होंने कई साल यूरोपियन पावर्स को डोमिनेट करा, वेस्ट कोस्ट और अरेबियन सी पे अपनी पकड़ जमाई और मराठाओं का बहुत फ़ायदा किया। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपको सुनाऊंगा मराठा नेवी के सबसे पॉपुलर एडमिरल जनरल की कहानी, जिनका नाम है कान्होजी आंग्रे या कोनाजी आंग्रिया। कान्होजी आंग्रे का जन्म अगस्त 1669 में मराठा साम्राज्य के रत्नागिरी शहर के सुवर्ण दुर्ग नाम के एक किले में हुआ था। उनके स्टेटस को लेकर कंट्रोवर्सी रही, पर बहुमत इस बात पर है कि वो कोली समाज के एक बड़े परिवार से ही आते थे। कुछ जगह ये भी कहा गया कि उनके पूर्वज ईस्ट अफ्रीका से आए थे, जो उस समय चलन भी था। वो यहाँ आके हिंदू समाज का हिस्सा बने और छत्रपति के लिए युद्ध लड़े। पर ये सभी का मत था कि उनके माता पिता छत्रपति शिवाजी के किले में एक अच्छे स्थान पर तैनात थे, लेकिन फिर उनके पिता तुकाराम जी को समुद्री सीमा और व्यापार की रक्षा में लगाया गया, जहां कान्होजी ने उनसे दाव पेच सीखे। उन्हें सी वॉरियर बनना बहुत ही पसंद आया और उनकी रेपुटेशन जल्द ही बढ़ने लगी। केवल 29 साल की आयु में ही उनको सतारा के गवर्नर ने सर खेल यानी एडमिरल के लेवल पर प्रमोट कर दिया। ये एक बड़ा डिसीजन था जो आगे चलकर बिल्कुल ठीक साबित हुआ। मराठा नेवी के एडमिरल बनते ही उनके अंडर महाराष्ट्र के वेस्ट कोस्ट का मेजर हिस्सा आ गया। इसमें मुंबई से लेकर गोवा के बॉर्डर तक सभी आते थे, बस मुरुद जंजीरा के किले को छोड़कर, जो अभी भी मुगलों के पास था। 1702 में उनका नेवल करियर शुरू हो गया और शुरू होते ही उन्होंने कई बड़े धमाके किए। उसी साल उन्होंने एक अंग्रेजी शिप को कैप्चर करा जो ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करती थी, और उनके कुछ लोगों को बंदी बना लिया। कुछ साल बाद और उन्होंने ऐसा ही सेम कारनामा किया और लोगों को बंदी बनाया। इन हादसों से अंग्रेज़ डर गए और उनको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी। देखते ही देखते फिर मराठाओं की गद्दी पर बैठे महाराज छत्रपति शिवाजी और फिर बैठे छत्रपति शाहू जी। उनके सामने कान्होजी आंग्रे का कद और बढ़ता चला गया। 1713 आते आते जब मराठा कमज़ोर होते चले गए, कान्होजी आंग्रे अकेले ही मजबूत होते चले गए। इस बात से कुछ देर के लिए पेशवा और कान्होजी आंग्रे के बीच में रिश्ते बिगड़े भी, लेकिन फिर कुछ समय बाद पेशवा ने उनका लोहा माना और उनको मराठाओं की नेवल पावर का सेनापति घोषित कर दिया। 1720 का समय आया और कान्होजी आंग्रे वेस्ट कोस्ट के एक तरह से सरगना बन चुके थे। पेशवा ने उनके नाम वेस्ट कोस्ट में करीब 26 किले कर दिए थे। अब उन 26 किलों के सेनापति बन गए थे कान्होजी आंग्रे। उस बात ने उनको और कॉन्फिडेंस दिया और 1720 में उन्होंने एक बड़ी मेजर इंग्लिश शिप को कब्जा कर लिया। उस शिप का नाम था शार्लेट, जो चाइना से सामान अंग्रेज़ों के पास ले जा रही थी, पर कान्होजी आंग्रे के सामने वो नहीं टिक पाई। इस बात ने कान्होजी आंग्रे को वेस्ट कोस्ट का एक तरह से राजा बना दिया था। 1721 और 1723 के बीच में अंग्रेज़ों ने और पोर्चुगीज़ ने बड़े दलों के साथ उन पर हमला किया। कई हज़ार सैनिक लेकर आए, क्योंकि हम इतिहास में जानते हैं कि कई बार मुट्ठी भर अंग्रेज़ों ने हमारे राजाओं की लाखों की सेना को हराया, और उसके हिसाब से ये सेनाएं काफ़ी बड़ी थी। लेकिन कान्होजी आंग्रे ने अपनी सूझबूझ के साथ दोनों बार बहुत बड़ी विजय हासिल करी, कई लोगों को बंदी बनाया और कई अंग्रेज सिपाहियों को देश छोड़कर वापस अपने घर ग्रेट ब्रिटेन भागना पड़ा। लगान, जिस टैक्स ने बाद में पूरे देश को बर्बाद कर दिया, वही लगान उस समय कान्होजी आंग्रे अंग्रेजों और पोर्चुगीज से लिया करते थे। उनके रहते ईस्ट इंडिया कंपनी तक को लगान देना पड़ा था अपने व्यापार को बचाने के लिए। बस अब एक ही दुश्मन रह गया था उनके सामने, जहां बाकी सब धाराशाही हो गए थे, वो ही जिसके बारे में हमने शुरू में ही आपको बताया था, मुरुद जंजीरा।
जंजीरा के नवाब मुगलों के अधीन थे और उनका हेडक्वार्टर था मुरुद बीच से करीब 200 मीटर पानी में बना एक किला। जंजीरा आइलैंड पे होने के कारण उसे मुरुद जंजीरा किला कहते थे और वो कभी भी युद्ध में नहीं गिरा। अंग्रेज जानते थे कि वो किला अभेद है और नवाब की इसी किले के दम पर आसपास के इलाकों में भी पकड़ है, इसलिए 1725 में उन्होंने उनसे संधि करी और शांति बना के उनका राज पूरी तरह सिक्योर हो गया। हालांकि ये संधि 11 साल ही रही, क्योंकि 1736 में पेशवा बाजीराव ने जंजीरा के आसपास के सभी इलाकों पर हमला करके उन पर कब्जा कर लिया, जिससे जंजीरा के नवाब का दबदबा लगभग समाप्त ही हो गया। 1739 आते आते कान्होजी आंग्रे अरेबियन सी कोस्ट के राजा जैसे बन चुके थे। गुजरात में सूरत से लेकर साउथ कोंकण तक उन्हीं का राज था। अंग्रेज, पोर्चुगीज, फ्रेंच सब उनसे अभी तक डरते थे और उनके आगे कोई नहीं टिक पाता था। लेकिन 4 जुलाई 1739 को सिर्फ 60 साल की उम्र में कान्होजी आंग्रे की मृत्यु हो गई। ये यूरोपियन पावर्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका था, जिन्होंने कुछ ही साल बाद पूरे वेस्ट कोस्ट पर धीरे धीरे कर कब्जा जमा लिया। हमारी नेवी लेकिन उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं भूली और आज हमारी एक फ्रिगेट शिप का नाम INS आंग्रे रखा जा चुका है। आंग्रे इतने ताकतवर थे कि आज भी उनको हमारी नेवल हिस्ट्री का सबसे ताकतवर एडमिरल माना जाता है। आज की इस दिलचस्प कहानी में बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते हम एक और दिलचस्प कहानी आपके सामने बहुत जल्द लाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।